दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में समाजशास्त्र परिषद UGC नई दिल्ली द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त दो प्लेनरी सेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच से वक्ताओं ने बताया कि समाजशास्त्र में पर्यावरण विमर्श अत्यंत ही आवश्यक है। समाजशास्त्री प्रविधि से अनुरूप सोचकर ही पर्यावरण और सतत विकास में सामंजस्य बनाए जाने का रास्ता मिल सकता है। इस दौरान विश्वविद्यालय डीन प्रोफेसर हरिशरण, प्रोफेसर अवधेश तिवारी, प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर आरती यादव, प्रोफेसर शिखा सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। दो दिवसीय नेशनल सेमिनार के उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर आर इंदिरा जी का मैं विशेष स्वागत करता हूं, जो बहुत दूर से भी हमारे बीच में चल करके आई हैं और निरंतर हमें टेलीफोन से, दूरभाष से लगातार बात होती रही पिछले कई हफ्तों से, और हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं और आज हमारे बीच वो हैं, हम उनको पाकर के आभारी हैं। मैं आपका वंदन करता हूँ मैडम और स्वागत करता हूँ उस सभागार में। मुख्य वक्ता के बीच में प्रोफेसर, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर एस के भट्टाचार्य जी उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर एस के भट्टाचार्य जी पहले ही गोरखपुर आ चुके हैं और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही साथ अमेरिका में विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। पूरा भारत उनका नाम जानता है, वरिष्ठ समाजशास्त्री। आज सौभाग्य से हमारे बीच में तीनों स्पीकर के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। हमारे विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जी समाजशास्त्र विभाग के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, लगातार हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं। मनुष्य का मन अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो प्रकृति के संरक्षण में बाधक है, अनेक प्रकार से प्राकृतिक तत्वों का विनाश हो रहा है और उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करता है जो तकनीक के रूप में इसमें प्रयुक्त है, और मनुष्य का अहंकार कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए आप नहीं कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर विचार करना पड़ेगा कि उससे प्राकृतिक वातावरण का क्षय हो रहा है या प्राकृतिक वातावरण का संचय हो रहा है, या मानव समाज को देखना पड़ेगा। इस एक श्लोक के माध्यम से भूमि आत्मा नरो वायु हम मनो गृह अहंकार भिन्ना पर किया, तो तीन चीजों को कंट्रोल हम लोग करना है। मानव समाज की के मन को, मानव समाज की बुद्धि को और मानव समाज के अहंकार। मैं भगवद गीता का ही एक और प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम मन को नियंत्रित करके मुझ में उस चीज को, मन को लगा सकते हो और अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मन तो बहुत चंचल है, ये कहीं एक कथान रुकता नहीं है, कैसे मैं इसको नियंत्रित करूं। तो भगवान ने उत्तर में कहा कि अभ्यास योगे, अभ्यास योग से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना।
मैं प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह इस सेमिनार का कन्वेनर हूँ और हेड डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी। दीनदयाल उपाध्याय गुरुपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के कोलैबोरेशन में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार आयोजित किया गया है बड़े ही समीचीन विषय पर, एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। देखिए, सतत विकास का मुद्दा इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर भी। जब हम जो लिमिटलेस ग्रोथ की आइडियोलॉजी पर पूरा संसार इस समय उसके पीछे भाग रहा है, पूंजीवाद की जो पूरी व्यवस्था विश्वव्यापी व्यवस्था का विस्तार हुआ है, उसमें जो लिमिटलेस ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के बीच में समन्वय, टेक्नोलॉजी पर्यावरण और विकास के बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो सकता है, इसी विषय पर केंद्रित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हम कर रहे हैं। और इसमें पूरे देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षक, अध्यक्ष और रिटायर्ड जो अनुभवी शिक्षक हैं, वो सभी सहभागिता कर रहे हैं। इसमें कुल मिला के लगभग 300 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, 300 लोगों के सहभागिता की संभावना है और 200 से ऊपर शोध पत्रों के प्रस्तुत होने की संभावना है।